अब आपको दिखा देते हैं कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई और कैसे इस हत्या से उसके तार जुड़े हुए हैं। मूसेवाला मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट, मास्टरमाइंड, जो कि कुख्यात गैंगस्टर है और 700 से ज्यादा गुर्गे यानी कि आदमी इसके लिए काम करते हैं, इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। पूछताछ की तैयारी है, 7 दिन की रिमांड में लिया जा चुका है और जेल से ही फिरौती का नेटवर्क ये चलाता है यानी कि लॉरेंस बिश्नोई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में इसका पूरा नेटवर्क, पूरा जाल फैला हुआ है। राजस्थान, हिमाचल में भी वसूली का ये काम करता है। एक्टर सलमान खान को भी इसने धमकी दी थी एक लेटर के जरिए। कनाडा में गोल्डी बराड गैंग से गठजोड़ है इसका, यानी कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। और मूसेवाला मर्डर मामले में किस तरीके से ये सब आपस में जुड़े हुए हैं ये आपको दिखा देते हैं। सिद्धू मूसेवाला, वो पंजाबी सिंगर जिसका कत्ल हुआ, इनके मैनेजर शगनप्रीत पर हत्या कराने का आरोप है। किसकी हत्या? विक्की मिडुखेड़ा की अगस्त 2021 में हत्या हुई थी। अब ये विक्की मिडुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का साथी है और इसी की हत्या का बदला लेने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को मारा गया है। आज 7 दिन की पंजाब पुलिस की रिमांड में लॉरेंस बिश्नोई पहुंच चुका है। इसी का साथी है गोल्डी बराड, जो कि कनाडा में रहता है और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम करता है। मूसेवाला की हत्या कराने का इस पर भी आरोप लगा हुआ है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई कहां है? देखिए, इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के जब कोर्ट में पेश किया वहां मानसा में और उसके बाद सीधे लेकर के पुलिस यहां पर पहुंची है मोहाली में। सीआईए का जो स्टाफ क्वार्टर है, यहां पे स्टाफ ऑफिस है, वहां पे लेके पहुंची और यहां पर चूंकि लाने का एक वजह है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सेफ हाउस भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी सुरक्षा को लेकर के कल दिल्ली के पटियाला कोर्ट में बात हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने एश्योरेंस दिए थे उसके बाद यहां पर उसको लेकर के आया गया है, क्योंकि सुबह ही जब कोर्ट में पेश किया गया था तकरीबन 3 घंटे लगे और यहां पर ही उससे लंबी पूछताछ की जानी है। जो तमाम अधिकारी हैं पंजाब पुलिस से जुड़े हुए, जो सीआईए के अधिकारी हैं, जो क्राइम ब्रांच और एसआईटी के जो अधिकारी हैं, वो यहां पर पूछेंगे। और सबसे पहले जो पुलिस जानना चाहती है, जो पंजाब पुलिस जानना चाहती है, वो दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे नंबर वन, शूटर्स कौन थे, और नंबर दो, उनको हथियार कहां से मिले, और तीसरी बात एक और है कि उन शूटर्स को फाइनल ऑर्डर किसने दिए थे और ये पूरी जो प्लानिंग है ये प्लानिंग कब और कहां रची गई थी, ये सारी चीजें जाननी है। और इसके लिए पंजाब पुलिस के आला अधिकारी लगातार यहां पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। इस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये वो जगह है मोहाली में है और पास में ही यहाँ से थाना है और सीआईए स्टाफ, ये देखिए, ये पूरा एक तरीके से आप कह सकती हैं पुलिस का ही यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है, तो पूरी तरीके से सिक्योर और सेफ हाउस जैसी ये जगह है जहाँ पर आसपास जो पुलिस के तमाम ऑफिसेज है, दफ्तर है, यहीं पर उनकी है और है। यही वजह है कि सीआईए स्टाफ में शायद लौटूंगी मैं आपके पास हिमांशु। लॉरेंस बिश्नोई को अब मोहाली लाया गया है, लेकिन दिल्ली से उसे मोहाली तक किस टाइम पर लाया गया ये आपको दिखा देते हैं। शाम 7:45 पटियाला हाउस कोर्ट में उसकी पेशी हुई। रात लगभग 8:20 पर आरएमएल अस्पताल में मेडिकल जांच हुई। उसके बाद रात 11:00 पानीपत पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई। रात लगभग 1:15 अंबाला उसे लाया गया। ये पूरा कल से लेकर अब तक का सफर हम आपको उसका दिखा रहे हैं। सुबह 3:30 मानसा पहुंचा लॉरेंस बिश्नोई और सुबह लगभग 4:15 मानसा कोर्ट में पेशी हुई।